ओके हेलो स्टूडेंट्स, सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दो प्लेट्स होंगी। पहले प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज रखा जाएगा जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा लेते हैं, दूसरे पर सिमिलरली निगेटिव चार्ज डेवलप होगा जिसको माइनस सिग्मा ले लेते हैं, और दोनों ही प्लेट का एरिया कंसिडर एज कैपिटल ए, और दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज डी, एंड पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट के बीच में या पोटेंशियल जिसे हम लोग बोलते हैं दैट इज वी। इलेक्ट्रिक फील्ड विल मूव ऑब्वियसली फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज लाइक दिस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। अब हमें बताना है कि अगर हमारे पास कोई एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा। इतनी सी बात है, यानी सी की वैल्यू कैलकुलेट करने आप लोग जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आपको मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस का मतलब टू कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, फर्स्ट हैविंग पॉजिटिव चार्ज, सेकंड हैविंग नेगेटिव चार्ज। तो जैसे जैसे इन पर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बढ़ाते जाते हैं उसके हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट होता चला जाता है, बट ये डिपेंड करता है कि इस पर कितना चार्ज स्टोर होगा, वो उसकी कैपेसिटेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। वही यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। आपसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन जानना चाह रहा था कि इस तरीके का क्वेश्चन चैप्टर वन में आपने पढ़ा था जब हम गॉस थ्योरम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आपको एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मान लिया जाए मेरे पास यहाँ थ्री पॉइंट है ए बी और सी, आप बताओ बेटे ए पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, बी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और सी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो आपको ये अच्छे से पता होगा पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा और प्लेट की वजह से, कंडक्टिंग प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा दैट इज सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा बट वैल्यू विल बी सेम, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कहने का मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में है वही इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में है, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट विल बी जीरो। नॉट ओनली दिस पॉइंट, आप इसके बाहर किसी भी पॉइंट पर चले जाओगे हर जगह फील्ड जीरो है, तो इसके राइट साइड। सिमिलरली सी पॉइंट पर देखेंगे पॉजिटिव की वजह से फिर से रिपल्सन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और फिर नेगेटिव की वजह से सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, वंस अगेन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और ई नेट विल बी जीरो। बट वॉट विल हैपन इनसाइड द कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर देखो बी पॉइंट पर ये तो रिपेल करेगा, रिपेल करने की वजह से सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव में अट्रैक्ट करेगा वंस अगेन सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों जब आप एड कर देते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट मैं लिख सकता हूं दिस प्लस दिस दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बात भी आप ध्यान देके चलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर इज सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, आउटसाइड द कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। चलिए अब अगली बात करते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होगा। तो चलिए जरा अब इस पर हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, एक एक करके यहां पर हम लोग बात करेंगे। शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर, दोस्त अभी अभी आपने निकाला दैट इज ई नेट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप इस लाइन को भी अच्छे से लिख लेंगे कि कैसे ये आया। दूसरी बात, जैसे यहां पर हम लोग बढ़ते हैं तो सिग्मा की वैल्यू क्या होती है दोस्त, सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, ये हमने पढ़ा है सरफेस चार्ज चार्ज पर यूनिट एरिया। तो अगली लाइन में हम सब इस बात को लिख सकते हैं, ये बन जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, दैट इज रिलेशन नंबर वन, बिकॉज यहां फिर से लिख दीजिएगा सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। तो ये तो हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक बात और समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन होता है जो हमने पढ़ा है, रिलेशन फ्रॉम द रिलेशन, फ्रॉम द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या पढ़ा है दोस्त, हमने पढ़ा है E इज
इक्वल टू डीवी बाई डी आर विद नेगेटिव साइन। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि डीवी इज इक्वल टू हो जाता है ई डॉट डी आर, वेक्टर क्वांटिटी है, साइन क्या लग जाता है नेगेटिव। ध्यान ये जरूर रखिएगा कि यहां पर ये साइन क्या लगा हुआ है नेगेटिव, बट आप ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करना, अगर हम लोग टोटल की बात करें तो ई डॉट डी आर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है, इधर, जबकि कैपेसिटेंस तुमको अगर बढ़ाना है या कैपेसिटेंस के बारे में बात करना है तो चार्ज तुम किधर लाना चाहोगे, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव का चार्ज बढ़ाना चाहोगे, नेगेटिव का कम करना चाहोगे, यानी आर की डायरेक्शन जो है वो इधर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया ऑटोमेटिक यहां पर 180 डिग्री। तो अगर 180 डिग्री हो गया तो E डॉट डी आर इंटू कॉस 180 माइनस के साथ, तो ये हट जाएगा E डॉट डी आर, क्योंकि कॉस 180 इज माइनस 1, माइनस माइनस मिलके प्लस, तो dV इज इक्वल टू ये लिखा जा सकता है। सो टोटल पोटेंशियल क्या हो सकता है E इंटू डी, यानी टोटल, ध्यान से समझना, जब इसको इंटीग्रेट कर दोगे, मैं इसको एक लाइन में और बढ़ा देता हूं फिर हम आगे इधर सॉल्व कराएंगे, इंटीग्रेट करते ही dV इज इक्वल टू E इंटू डी आर, डी आर कहां से कहां तक भाई, जीरो से लेकर डी तक, तो ये पूरा बन जाएगा आपके पास V इज इक्वल टू ई इंटू डी। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ रही होगी, और ये वैल्यू अब हम उठा के रख सकते हैं कि V बाई डी, अब मैं E इज इक्वल टू V बाई डी रख लिया जाए, तो यहां से इक्वेशन नंबर टू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टू, मैं यहां थोड़ा सा स्पेस लेना चाहूंगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V या E लिख दें इन इक्वेशन वन, इन इक्वेशन वन क्या मिल जाएगा, E नेट की वैल्यू V बाई डी इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, एंड लास्ट स्टेप पे आ चुके हैं, Q को, Q के नीचे V को लाने जा रहे हैं, यहां आ जाएगा Q बाई V इज इक्वल टू D डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट, यहां ध्यान से देख लीजिएगा, ये सॉरी ये उल्टा हो गया, तो ध्यान रखना ये स्क्रीनशॉट, ये इधर ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अच्छा थोड़ी देर पहले ही हम सबने पढ़ा था कि v इज इक्वल टू क्या होता है, q इज इक्वल टू सी वी, तो c इज इक्वल टू क्या होता है q बाई v, तो जहां पर q बाई v है वहां पर हम c की वैल्यू रख सकते हैं, सो पुट इट द वैल्यू ऑफ c ओवर हियर, सो c इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। दोस्त ये कैपेसिटेंस हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जिसमें ए क्या होगा एरिया ऑफ द प्लेट, एप्सिलॉन नॉट इज द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, एंड डी इज व्हाट डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। आप देख सकते हैं जो रिलेशन हम लोग थोड़े देर पहले पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो में, जो हमने देखा कि कैपेसिटेंस तीन चीजों पर डिपेंड करता है, एरिया, लेंथ, लेंथ मतलब डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड मीडियम, इन सब का रिलेशन हमारे पास आ चुका है। सो एरिया ज्यादा होगा सो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, और जितना अच्छा डायलेक्ट्रिक मीडियम होगा कैपेसिटेंस उतना बढ़ता जाएगा, क्योंकि रिलेटिव यानी एप्सिलॉन आर या के टाइम्स यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैसे वो हम लोग अभी थोड़ी बात देख लेते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सबके लिए है, तो प्लीज एक बार मैं जल्दी से समराइज कर देता हूँ दो मिनट के अंदर। आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका एरिया ए है, डिस्टेंस दोनों के बीच का डी है, पोटेंशियल डिफरेंस बी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई जा रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों पे सिग्मा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकल के आएगा, जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, और अगर इसकी कैपेसिटेंस हमको इंक्रीज करनी है देन वी हैव टू मूव द चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव। तो यहां से देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, यहां ये कंक्लूजन निकला। अब यहां पर हम आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर, दैट इज ई नेट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू हम सबको पता है क्यू बाई ए, यहां से उठा के रख दिया। फिर अगले रिलेशन में रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में लिखा था ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, जिसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, और इसको आगे मैंने एक्सप्लेन करा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है डी आर पीछे है, तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, माइनस साइन से मिलकर कैंसिल हो जाता है, और इतना बन जाएगा, सो वी इज इक्वल टू ई डी हो जाएगा। यहां से हम लोग E की वैल्यू निकाल के पहले वाले रिलेशन में रख देते हैं, दिस रिलेशन में, तो E नेट की वैल्यू आ जाएगी V बाई डी इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, Q
क्यू, अब वी को इधर रखा, ए एप्सिलॉन नॉट को ऊपर रखा और यहां से एक रिलेशन आ गया और ये फाइनल रिलेशन आपका फ्रेज हो जाता है। ध्यान ये रखना कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली बनते हैं। अभी हम इस चीज को और आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, एंजॉयमेंट के साथ पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।